अहम खबर आपको देखे, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 10वां इजलास, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। पंजाब काबीना ने डॉक्टर्स के अलाउंस बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना इजलास वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। जी हसन रजा, मजीद क्या फैसले हुए इस इजलास में? देखें, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 10वां इजलास हुआ, जिसमें 4 घंटे तवील इजलास में 56 नकासी एजेंडे पर गौर किया गया और अपना छत अपना घर प्रोग्राम के काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी, जिसकी 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा और दूर दराज इलाकों में पूरी तकर्री की भी मंजूरी दी गई है। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी दी गई, वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब सिख अनन किराज मैरिज जिसके रूल 2024 और पंजाब सिख जो है किराज मैरिज रूल 2024 की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पंजाब काबीना के होने वाले इजलास में बुनियादी मराकज सेहत, दही मराकज सेहत और बात ऐसी है क्वार्टर किसानों को डॉक्टर्स के लिए अलाउंस में इजाफा किया गया है। डॉक्टरों को नाइट ड्यूटी पर 7,000, 7,500 और 8,000 तक नाइट अलाउंस मिलेगा। दूर दराज इलाकों में तैनात डॉक्टर्स के लिए रोजाना 1,000 रुपए पेट्रोल अलाउंस देने पर भी इतफाक किया गया है। टीबी हॉस्पिटल सरगोधा, इसी तरह बहावलपुर और मजंग हॉस्पिटल लाहौर का इंतजाम मुंतकिल करने की हदायत की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड की मंजूरी देते हुए काबीना ने काश्तकारों के लिए वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ के इकदाम को सराहा और 8 ममालिक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली और दीगर रेवेन्यू सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की भी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और शौक के खात्मे के लिए मोटरसाइकिल या फिटनेस सर्टिफिकेट के असूल पर भी इतफाक किया। सर रजा, आपने तफसीलात बताई इजलास से मुतालिक, आपका शुक्रिया।